ये शैम्पू अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या रहती है तो उस समस्या को जड़ से ख़त्म करने का काम ये शैम्पू करता है। और अगर आपके बालों के अंदर खुजली सा होता है या फिर फोड़ा फुंसी की समस्या रहती है, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, और जैसे कि और अगर आपके बालों में रूसी या फिर जुआ जैसी समस्या रहती है तो उस सारी समस्या को ये जो शैम्पू है ठीक करने का काम करता है। और इस शैम्पू का उपयोग बालों से रिलेटेड किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या या फिर कौन कौन से रोगों में मरीज को क्या दिक्कत क्या तकलीफ रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा ये शैम्पू दिया जाता है, लगाने के लिए बताया जाता है यानी प्रेस्क्राइब किया जाता है। इस शैम्पू को लगाना कैसे होता है, ये शैम्पू एक दिन में कितनी बार लगाना होता है, इस शैम्पू का डोज क्या होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या यानी डैंड्रफ अगर आपके बालों में हुआ है तो उस समस्या को ये जो शैम्पू है जड़ से ठीक करने का काम करता है। और अगर आपके बालों में जुआ या फिर रूसी जैसी समस्याएं हैं तो उस समस्या को भी ये शैम्पू जड़ से ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि अगर किसी के बाल के स्किन में यानी अगर आप ये मान लीजिए अगर किसी के बालों में किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन हो जाती है, बालों के अंदर एक प्रकार से हम कह सकते हैं सर में फोड़ा फुंसी या फिर दांत खाज खजली जैसी समस्याएं हो जाती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, तो उस सारी समस्याओं को ये शैम्पू है ठीक करने का काम करता है। ये स्किन रिलेटेड अगर कोई दिक्कत और कोई समस्या रहती है तो उसे भी ये ठीक करने का काम करता है। ये शैम्पू काफ़ी अच्छा शैम्पू होता है, डॉक्टर के द्वारा ये शैम्पू काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। फ्लेक्स की समस्या में इस शैम्पू का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जब कोई अपने बालों को झाड़ता है या फिर अपने बालों को सही करता है तो आपने देखा होगा उनके बालों से डैंड्रफ के जैसा उड़ने लगता है हवा में या फिर गिरने लगता है, तो उस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये शैम्पू काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये शैम्पू काफ़ी अच्छा शैम्पू होता है, डैंड्रफ के लिए काफ़ी अच्छा शैम्पू होता ही है। बट अगर आपके स्किन या फिर बालों से रिलेटेड अगर और कोई दिक्कत और कोई समस्या रहता है तो उसमें भी ये शैम्पू काफ़ी अच्छा मदद करता है यानी उन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम ये शैम्पू करता है। आपने देखा होगा कि जब किसी के बालों में डैंड्रफ की समस्या हो जाती है या फिर डैंड्रफ की समस्या रहती है तो सर के बालों में से पपड़ियाँ के जैसा निकलने लगता है वाइट, तो उस समस्या में भी ये शैम्पू काफ़ी अच्छा होता है। मेनली डैंड्रफ अगर किसी भी प्रकार का हो तो उस डैंड्रफ की प्रॉब्लम को ये जड़ से ठीक करता है ये शैम्पू। और जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी के बालों में फंगल इन्फेक्शन की समस्या हो जाता है या फंगस जैसी समस्याएं हो जाती हैं, आपने देखा होगा बालों में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, कई बार हम उसे खुजली करने लगते हैं, खुजली भी होती है सर के बालों में, तो वहाँ पर खुजली करते हैं तो मवाद के जैसा आने लगता है, रेडनेस हो जाता है, जलन के जैसा महसूस होने लगता है, बालें आपस में चिपक जाती हैं, कभी कभी देखा होगा बालें भी वहाँ पर चिपकने लगती हैं, जो आपके बाल हैं वो भी चिपकने लगते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पूरे सर में आपके इन्फेक्शन हो जाता है। एंटीफंगल जैसी समस्याएं अगर आपके बालों में रहती हैं तो उसके लिए भी ये शैम्पू काफ़ी अच्छा होता है। ये शैम्पू इन सारी समस्याओं को पूरी तरह से ठीक करने का काम ये शैम्पू करता है। आपने देखा होगा कि आजकल डैंड्रफ की समस्या बहुत ज़्यादा हो गया है, डैंड्रफ की समस्या 70-80% लोगों के बाल में डैंड्रफ की समस्या रहता है, तो ये शैम्पू उनके लिए है जो जिनके बालों में डैंड्रफ की समस्या है, डैंड्रफ की समस्या को ये पूरी तरह ठीक करने का काम करता है। और आपने देखा होगा जब किसी के बालों में किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन हो जाती है या स्किन पर या फिर बालों में, तो उनके बाल कभी कभी झड़ने लगते हैं डैंड्रफ के कारण या फिर उसके स्किन से रिलेटेड या फिर बालों में और कोई दिक्कत और कोई समस्या हो जाता है, तो इस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा इस शैम्पू को काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। यह शैम्पू उनके बालों को मजबूती बना के रखता है, बालों में मॉइस्चराइज एक तरीके से रखता है, बालों में शाइनिंग रखता है जिससे आपकी बालें चिपकती नहीं है, एक बाल दूसरी बाल में चिपकने नहीं देता, यह शैम्पू बालों को हमेशा फ्रेश रखता है, बालों को एकदम खूबसूरत दिखाता है, यानी यह शैम्पू लगाने से आपके बाल एकदम खूबसूरत भी दिखते हैं। यह शैम्पू काफ़ी अच्छा शैम्पू होता है। बालों में अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, ईचिंग की प्रॉब्लम रहती है, खुजली की प्रॉब्लम रहती है, तो यह शैम्पू इस समस्या को जड़ से ठीक करने का काम करता है। बालों में अगर डैंड्रफ की समस्या रहता है तो उसे ये शैम्पू रिमूव करने का काम करता है। और जैसे कि अगर आपके बाल टूटते हैं या फिर बाल झड़ते हैं या फिर आपके सर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, उसके वजह से आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से परेशानी होती है, तो इन सारी समस्याओं को ये शैम्पू जड़ से ठीक करने का काम करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये शैम्पू यूज कैसे करना होता है। ये शैम्पू आप दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम नहाते हैं तो ये शैम्पू आप तीनों टाइम लगा सकते हैं। जैसे कि लगाने का तरीका जान लीजिए, ये शैम्पू आप अपने बालों में यानी पूरे सिर में अच्छे से लगाएं 2 से 3 मिनट। ये शैम्पू पूरे बालों में, पूरे एक तरीके से सर में अच्छे से ये शैम्पू लगाएं। लगाने के बाद में फिर आप नहाने के बाद में कम से कम 5 से 10 मिनट तक कोई भी तेल, कोई भी अगर आप कुछ भी लगाते हैं अपने बालों में तब आप ना लगाएं। लगाने के बाद में जब आपके बाल एकदम सूख जाएं तब आप तेल या जो भी आप लगाना चाहते हैं अपने बाल में लगाएं। और जब भी आप ये शैम्पू आप अपने बाल में लगाते हैं तो आपको कोई और शैम्पू इस शैम्पू के साथ में मिक्स करके अपने बाल में नहीं लगाना होता है। चलिए अब हम आपको इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, इस शैम्पू का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे कि इस शैम्पू का कोई भी खास साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, बट अगर ये शैम्पू आप किसी और शैम्पू या फिर किसी और तेल के साथ में मिक्स करके आप अगर अपने बालों में लगाएंगे तो आपके सिर में दर्द की समस्या हो सकती है, वहाँ पर खुजली हो सकता है, रेडनेस के जैसा महसूस हो सकता है, जलन के जैसा महसूस हो सकता है। इसके सिवा और भी समस्या और भी दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएं, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी शैम्पू, कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा उपयोग करें। कभी भी आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा खुद से उपयोग ना करें।